हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में आज हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लेनी है ये जो माय मैथ नोटबुक है, वो आपको लेनी है। उसमें आज हम कौन सा नंबर लिखेंगे, नंबर 4। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 13 ओपन करना है। देखो बच्चों, पेज नंबर 13 पर हमें क्या दिया है, नंबर 4। तो नंबर 4 लिखना तो आपको आता है ना। हमने पहले नोटबुक में भी लिखे हैं, पहले तो हमने ट्रेस किया था, फिर हमने नोटबुक में लिखे थे। तो नंबर 4 लिखना तो आपको आ ही गया होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये कितने डॉग हैं हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 डॉग है और ये कौन सा नंबर है, 4, FOUR 4। तो 4 नंबर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले आपको 4 नंबर लिखने के लिए स्लेंटिंग लाइन करनी है इस तरह से, बाद में आपको स्लीपिंग लाइन करनी है यहाँ से जॉइंट, और बीच में आपको छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है। तो हमारा कौन सा नंबर बना, नंबर 4। आपको आता है ना बच्चों नंबर 4 लिखना, मैंने आपको नोटबुक में सिखाया था। तो बच्चों देखो, आपको नीचे दिया है ट्रेस एंड राइट, नीचे जो नंबर 4 दिया है वो पहले तो हम ट्रेस करेंगे, बाद में हम लिखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम नंबर ट्रेस कैसे करेंगे, पहले तो हम स्लेंटिंग लाइन बनाएंगे, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन और बीच में स्टैंडिंग लाइन। तो कौन सा नंबर बना हमारा, नंबर 4। तो इस तरह से आपको ये नंबर 4 ट्रेस करना है। ये जो डॉट दिए है वो आपको धीरे धीरे अच्छे से जॉइंट करना है। कौन सा नंबर है हमारा, नंबर 4। तो बच्चों आपको नंबर 4 बोलते जाना है और लिखते जाना है, ताकि आप सबको याद रहे बच्चों कि हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं, नंबर 4। कौन सा नंबर है ये, नंबर 4। याद रखना बच्चों, आपको बोलते हुए लिखना है, ताकि आप सबको याद रह जाए कि ये कौन सा नंबर है, नंबर 4। देखो इस लाइन में अब जो ट्रेस करने का था वो तो कंप्लीट हो गया, अब नीचे हम खुद से लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको ये जो डॉट दिया है, यहीं से हम स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे पहले, फिर यहीं से जॉइंट हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, और बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा कौन सा नंबर बना, नंबर 4। अब हम देखो यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन दी है वो हम करेंगे, ये जो डॉट दी है वो आपको जॉइंट करने हैं। देखो ये ट्रेस वाला तो कंप्लीट हो गया ना बच्चों। अब हम नीचे खुद से लिखेंगे। तो आपको याद है सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, मैंने आपको सिखाया ना, अभी भी सिखाया, नोटबुक में भी सिखाया था। तो अब तो आपको आता है ना बच्चों नंबर 4 लिखना। तो सबसे पहले हम करेंगे स्लैंटिंग लाइन, यहीं से जॉइंट स्लीपिंग लाइन और बीच में स्टैंडिंग लाइन करेंगे। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा, नंबर 4। इस तरह से आपको नंबर 4 लिखना है। देखो पेज नंबर 13 तो हमारा कंप्लीट हो गया ना बच्चों। नंबर 4 लिखकर हमने पेज नंबर 13 कंप्लीट कर दिया। अब हम पेज नंबर 14 देखेंगे। तो पेज नंबर 14 पर क्या दिया है बच्चों, आपको ट्रेस एंड राइट। पेज नंबर 14 पर भी आपको नंबर 4 दिया है। तो पहले तो हम नंबर 4 इस पेज पर ट्रेस करेंगे और बाद में हम खुद से लिखेंगे। तो आपको भी मेरे साथ ट्रेस करते जाना है बच्चों, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही बोलते जाना है और लिखते जाना है, नंबर 4। धीरे धीरे आपको ये डॉट अच्छे से जॉइंट करना है। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा,
नंबर फोर। ये ट्रेस वाला तो कंप्लीट हो गया। अब नीचे हम खुद से लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट दिया है, यहीं से आपको स्लैंटिंग लाइन बनानी है, यहीं से जॉइंट स्लिपिंग लाइन और बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा? नंबर फोर। देखो इस तरह से आपको नंबर फोर बनाना है। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको नंबर फोर ट्रेस करते जाना है और बोलते जाना है। कितना इजी है हमारा नंबर फोर, है ना बच्चों? हमने पहले पैटर्न सीखी थी, उसमें हमने स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन सीखी थी। तो हमें नंबर फोर लिखना तो बहुत आसानी से आता है। आता है ना बच्चों आपको? मैंने पहले नोटबुक में भी सिखाया था ना। तो इस बुक में आज आपको लिखना है खुद से। किस तरह से लिखोगे आपको याद है बच्चों? फिर से सिखाऊं मैं? देखो पहले आपको स्लैंटिंग लाइन करनी है, यहीं से जॉइंट आपको स्लिपिंग लाइन करनी है और बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा? नंबर फोर। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही बोलते जाना है और लिखते जाना है। कौन सा नंबर है ये हमारा? नंबर फोर। देखो इस तरह से आपको यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, यहाँ से आपको स्लैंटिंग लाइन करनी है, बाद में स्लिपिंग लाइन, बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा? नंबर फोर। तो इस तरह से नंबर फोर लिखकर आपको ये पेज कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, कौन सा नंबर लिखा? देखो पेज नंबर 30 और पेज नंबर 40 पर हमने नंबर फोर लिखा। तो बच्चों आपको ये जो मैथ्स की माई मैथ नोटबुक है, उसमें आपको पेज नंबर नंबर फोर लिखकर कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।